जय हिंद बच्चों, आज हम करेंगे असाइनमेंट का सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों को इसमें दिया है, ग्रुप में दिया है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई साहब हमने पॉलिथिन, ठीक है पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या है। अ पॉलिथिन पीस इज रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमने रब किया, एक तरफ हमारे पास पॉलिथिन है और एक तरफ हमारे पास वूल है। हमने इन दोनों को रब किया। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमें कुछ कुछ मटेरियल्स याद करने पड़ेंगे। जैसे पॉलिथीन पे आता है नेगेटिव चार्ज, तो वूल पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब पॉलिथीन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। वूल पे आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर हुए? इस पे। तो इसका मतलब हमको ये तो पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। ठीक है, क्योंकि पॉलिथीन नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये तो पता लग गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस साइड होगा, बट ये नहीं पता कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, हम लोगों को सभी को पता है, हम लोगों को नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्यू की वैल्यू दी हुई है। ये कितनी है? 3 × 10⁻⁷ कूलम। नेगेटिव बोल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि आप बताओ कितने नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल। यू आप कैसे लिखेंगे? तरीके से अप्लाइंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अप्लाइंग क्वांटाइजेशन जो भी है ये ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ, इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया ना? ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एनी, वेयर एन लिखना है, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये लिखना है आप लोगों को यार। ठीक है, क्यू कितना है? एन निकालना है आपको। एन कितना आएगा? क्यू अपॉन ई। ठीक है, क्यू की वैल्यू 3 × 10⁻⁷, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही आया है। यहां से आ रहा है आपका 1.87 × 10⁻½। इसमें कोई यूनिट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सही बात है। उसके बाद जो आपका अगला पार्ट है, ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला पार्ट है वो कह रहा है, उसके बाद जो आपका अगला पार्ट है, ये तो आपके एनुअल जो अगला पार्ट कह रहा है, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास ऑल्सो। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही थ्योरी में कराया है। यस, ट्रांसफर ऑफ मास तो होगा। हाँ, वो बहुत कम होगा बट होगा जरूर। तो कितना होगा? ठीक है, आप बताओ ट्रांसफर ऑफ मास कितना होगा? ट्रांसफर ऑफ मास पहले एक ना, ये पहले स्टेटमेंट लिखना, यस देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ मास एंड इट इज गिवन बाय। ठीक है, आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? एन। और एक का मास कितना है? टोटल मास ही तो होगा। एक इलेक्ट्रॉन कितना मास लेके आया? देखो ना, इससे इसमें इलेक्ट्रॉन गए, कितने इलेक्ट्रॉन गए? इतने गए। तो पहले एक का मास इनटू टोटल नंबर ऑफ, तो डेल्टा एम कितना, डेल्टा एम कैसे निकल जाएगा? एन कितना है? 1.87 × 10⁻¹2। और एक का मास कितना है? 9.11 × 10⁻³¹ kg। तो डेल्टा एम की जो वैल्यू सॉल्व करके आ रही है वो आ रही है 1.7 × 10⁻¹⁸ kg। ये आपका डेल्टा एम हो जाएगा। मैंने सारी वैल्यू सॉल्व करके रखी नहीं है, बोलो। ठीक है, सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, ये लेवल वन का असाइनमेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे 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 लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर क्लास हो रही थी तो फिर बहुत स्पीड से काम चलता, लेकिन क्या करें, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका जो अगला क्वेश्चन है बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा है, ये स्क्वायर है, ए ए ए ए। ऐसा ही एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया था, ठीक है, आज से 2 साल पहले, लेकिन उसमें उन्होंने थोड़ा चेंज किया था, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, उसमें यहाँ पर कैपिटल क्यू है, यहाँ पर भी कैपिटल क्यू है, मैंने चेंज कर रखा है। देखो मैंने रखा है स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू और ये कैपिटल क्यू। ठीक है, आपको बताना है कि इस कैपिटल क्यू पर नेट कितनी चार्ज लगने वाली है। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो सारे कॉन्स्टेंट के टर्म में, इन चार्जेस के टर्म में या डिस्टेंस के टर्म में होना चाहिए, उसमें और कोई वेरिएबल अलग से नहीं होना चाहिए। बोलो, कर दूं स्टार्ट? कर दूं? चलो, अब देखो आप सभी को पता है, सबसे पहले हमें कौन कौन से डिस्टेंस तो पढ़ने पड़ेंगे। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा। हमें ये डिस्टेंस ए दिया है, ये डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस तो जरूरत ही नहीं, ये डिस्टेंस हमको चाहिए। ठीक है, हमेशा रखना, जब भी कभी आप पाइथागोरस में लगाओगे ए ए, ये आएगा ए रूट टू। जब भी कभी आप ऐसे ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हो जिसकी दोनों साइड सेम होती है, ऐसे ए ए तो ए रूट टू, टेन 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 रूट टू, हंड्रेड 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 रूट टू, डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले इसका फ्री वर्ड देखो, इसको 2 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं इस वाले को, क्योंकि इसका डिस्टेंस अलग है। जरा इससे इसको देखो, बड़ा बड़ा क्यू छोटा क्यू डिस्टेंस सेम, बड़ा क्यू छोटा क्यू डिस्टेंस सेम। इसका मतलब ये इस पे जो फोर्स लगाएगा और ये इस पे जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू सेम होगी। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू देखो, ये इस पे किस तरह फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, इधर ये किसने लगाई? एफ। ठीक है, इसको हम दे दिया हमने एफ। ठीक है, छोटा वन छोटे एफ, इन कॉर्नर का नाम रख दो, मान लो इसका नाम ए है, इस कॉर्नर का नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। तो ये किसने फोर्स लगाई? एफ बी ने लगाई। ठीक है, ऐसे ये इस पे लगाएगा, इधर
तो ये किसने लगाई? एफ डी ने लगाई। ठीक है, बोलो यार, आप मुझे एक बात बताओ, क्या एफ ए और एफ डी दोनों बराबर नहीं होंगे? देखो एफ ए की जरा वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालते पहले। एफ जो ए पे पड़ा है, कूलम थोड़ा कॉल इसमें, 1/4 pi epsilon naught बड़ा क्यू छोटा क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सेम तरीके से इसके ऊपर लगाओ 1/4 pi epsilon naught, क्या लगाओ? एफ डी निकालो जवाब, 1/4 pi epsilon। हो सकता है आप इसको पूरा का पूरा के लिख लो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन लास्ट में ना के की फॉर्म में छोड़ना आंसर, लास्ट में ये वैल्यू दिखाना यहाँ पर रख के, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में रखे हैं। तो इसके लगाओ बड़ा क्यू छोटा क्यू अपॉन ए स्क्वायर, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि एफ ए और एफ बी को मैं एक नाम दे दूँ एफ, दे दूँ एक नाम एफ, बोलो यार। अब जरा इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम लेके आओ, इस जो डायग्राम हमने बनाया है ना, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम लेके आओ, यहाँ पर बनाओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम। पोस्टमार्टम कर देंगे इसका, एफ बी एफ बी। अभी भी आपको सिखाया कि ये भी एफ है और ये भी एफ है, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में जाएगा, और एंगल बीच में कितना बन रहा है 90, आप लोगों को सिखाया भाई। तो ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा सिखाया हुआ है, और ये cos थीटा कितना है यहाँ पर 90, तो वाला कंपोनेंट तो हट जाएगा, तो जो कंपोनेंट बचेगा बी से जो कंपोनेंट निकलेगा इसका, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, रिजल्टेंट कितना निकलने वाला है यहाँ से, बोलो भाई रिजल्ट कितना आएगा? अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, 2f इंटू एफ इंटू कॉस 90, कॉस 90 जीरो कर देगा, तो एफ स्क्वायर एफ का कितना जाएगा, ये एफ रिजल्टेंट कितना जाएगा, कितना जाएगा बोलो, 2f स्क्वायर, एफ स्क्वायर भरा जाएगा तो आ जाएगा एफ रूट 2। इसका मतलब इन दोनों की वजह से जो नेट यहां पर जो कंपोनेंट निकल के आया, इन दोनों की वजह से जो नेट यहां पर कंपोनेंट निकल के आया, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ रूट 2, और एफ की वैल्यू आपको पता है, ये दोनों ही वैल्यू, ये भी किसकी वैल्यू है एफ की, और ये भी किसकी वैल्यू है एफ की। आपको समझ आया मैंने एफ रूट 2 कैसे निकाला, मैंने इन दोनों कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सारा खेल फ्री बॉडी डायग्राम का है, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ आ रहा है तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसको एक और तरीके से कर सकता, ठीक है, हाँ मैं इसको कंपोनेंट डिजोल्व करके भी कर सकता, बट उससे ईजी है इस मेथड से। ठीक है, तो मैंने इन दोनों का इफेक्ट इस पे निकाल लिया, अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ से खत्म हो गई है, अब इन दोनों का कोई यूज नहीं है क्योंकि हमने इन दोनों का इफेक्ट निकाल लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अरे भाई ये भी तो इस पे लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, ये किधर लगाएगा इस पे रिपल्सिव फोर्स, ये वाली फोर्स किसकी है, ये फोर्स तो इन दोनों की है, अब ऐसी एक फोर्स ये भी तो लगाएगा, कौन, एफ सी, बोलो यार एफ सी तो लगाएगा। अब जरा निकालते हैं एफ सी कितना आने वाला है, एफ सी 1/4 pi epsilon naught चार्ज अपॉन चार्ज, चार्ज इंटू चार्ज, क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। जब अपन लोग डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2, और ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन गया, ये फोर्स निकल गई, ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब बात करते हैं, अब मुझे एक बात बताओ, एक फोर्स तो एफ रूट 2 है और एक फोर्स एफ सी है, एक फोर्स तो एफ रूट 2 है और एक फोर्स क्या है, एफ सी है, तो जो नेट फोर्स निकली वो कितनी होगी, बोलो यार जो नेट फोर्स निकली वो कितनी होगी, एक तो आपका एफ सी जो सी ने लगाई और जो इन दोनों ने लगाई मिलके, इन दोनों ने कितनी लगाई थी, प्लस एफ रूट 2। सही बात है कि नहीं बात है, बिल्कुल आप सिस्टमेटिक वैसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपको अपनी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं, देखो एफ नेट, पहले एफ सी की वैल्यू पुट करते हैं, 1/4 pi epsilon naught बड़ा क्यू छोटा क्यू, नीचे क्या आएगा, 2a का स्क्वायर प्लस एफ, एफ की वैल्यू ये है ना, 1/4 pi epsilon naught बड़ा क्यू छोटा क्यू ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इसके साथ में, रूट 2, तो रूट 2 ले लिया। सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है, अब क्या करो बस, अब इसमें डाल दो, अब तो आ गया आंसर, अब कॉमन ले लो जो चीज कॉमन ले सकते हो, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught बड़ा क्यू छोटा क्यू, और क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, ए स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है। ठीक है, और बोलो, और तो कुछ निकल रहा है, ठीक है, 2 नहीं निकलेगा, ठीक है, ये सब निकल गया कॉमन, ये भी निकल गया कॉमन, ये सब निकल गया कॉमन, ये भी निकल गया कॉमन, अंदर क्या बच गया, 1/2 plus root 2, ये है एग्जैक्ट आंसर, किस में आ गया, न्यूटन में। कुछ लोगों का यहाँ पे 2 छूट रहा है और कुछ कुछ का 2 ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो देख लेना अपने हिसाब से,
वो आ सकता है टू बाहर आ सकता है। जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो नीचे आप एलसीएम लेके कुछ बच्चे इसको एलसीएम वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे नीचे टू आ जाएगा, ठीक है, ये वन प्लस टू रूट टू हो जाएगा और टू बाहर निकल जाएगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट वो अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। मैं उसके लिए किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट इतना तो आपका आंसर लास्ट में आपको यूनिट न्यूटन बता दूँ, बोलो यार, ठीक है। कुछ लोगों ने के लिखा हुआ है, मर्जी। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इन दो कॉर्नर का फोर्स निकाला फिर बाद में इसका। आप पहले इसका निकाल लो, फिर दोनों निकाल लो, ऐड कर दो, कुछ भी करो। मुद्दा है कि तीनों का इफेक्ट उस बंदे पे निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने लेक्चर में डिस्कस की भी है। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब किसी भी चीज का क्या प्रैक्टिकल यूज है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। भाई साहब, अगर किसी रीजन में फील्ड है तो वो क्या इंडिकेट कर रही है। अगर किसी रीजन में फील्ड है वो ये इंडिकेट कर रही है, सर अगर आप इस रीजन में आओगे तो मैं आप पे एक फोर्स लगाऊंगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। जब भी आप फील्ड में जाओगे तो आपको वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगा, वही उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सही बात है कि नहीं बात है। मैंने ये डिस्कस भी किया हुआ है, ये मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई थी मैंने वहां समझाया था लेक्चर में, अगर आपने ध्यान सुना होगा तो, ठीक है। अब आपका अगला ये कह रहा है कि टू पॉइंट चार्जेस क्यू ए और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है क्यू बी, क्यू ए और क्यू बी। क्यू ए की वैल्यू है आपकी 3 माइक्रोकुलम और क्यू बी की वैल्यू है आपकी -3 माइक्रोकुलम। सही बात है, ठीक है। सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाओ क्या। ये क्यू ए है, ये आपका क्यू बी है, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोकुलम और इसकी वैल्यू है -3 माइक्रोकुलम, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन है इस तरह से, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, वो जो डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि ये पूरा का पूरा कितना डिस्टेंस का सेटअप है, 20 सेंटीमीटर अपार्ट। वो आपसे बोल रहा है एक तो आप इसके मिड पॉइंट पे फील्ड निकालो। मान लो इसका मिड पॉइंट ओ है, मैंने तो बोला हुआ है ओ है, ठीक है। आप इसके मिड पॉइंट पे फील्ड निकालो, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट फिर जो बोलेगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। पहला पार्ट बोला इसके मिड पॉइंट पे फील्ड निकालो। आप मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी होती है अपन लोग उस पर क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। तो मान लो मैंने इससे कोई टेस्ट चार्ज रखा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, +1। यही होगी उसकी वैल्यू, +1 टेस्ट होगी। अब यार जो +1 वैल्यू होगी, पहले बात करते हैं इसकी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज, इसका मतलब क्यू ए अपॉन, इसका मतलब क्यू ए अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। मीटर की जगह करके तो 0.1 का स्क्वायर। सही बात है, ठीक है। तो आपको ये तो वैल्यू मिल गई इसकी, ये किधर लग रही है, ये इसको रेपेल करेगा, बोल रहा है इसको रेपेल करेगा, तो इसको बोलते हैं अलोंग Along AO, AO मतलब A से O की तरफ, इधर को लग रहा है। कुछ लोग टूवर्ड साइड भी लिख सकते हैं, अपने अपनी चॉइस है, कैसे भी लिख दो आप, डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। जब इस वैल्यू को आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आपको मिलेगी, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू वैल्यू आपको मिलेगी 2.7 × 10^6, 2.7 × 10^6, यही वैल्यू आपको मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। सही बात है कि नहीं बात, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वैल्यू कितनी है, वैसे इतनी होनी चाहिए वैल्यू मेरे हिसाब से तो, 2.7 जो मैंने सॉल्व की थी वो कितनी थी, 2.7 × 10^6, हाँ यही है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम अलोंग ए ओ, ठीक है। सही बात है, यही सॉल्व की थी मैंने, समझ आ गया। सेम तरीके से अब आप इसके लिए निकालेंगे, किसके लिए, दूसरे भाई के लिए। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सोर्स चार्ज बन गया, ये इसे क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बोलो यार। तो इसकी जो फील्ड बनेगी ये बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ये कितनी बनेगी, ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज कितना है क्यू बी, डिस्टेंस कितना है इसका भी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर। तो जब तुम ई बी सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो ई बी निकल के आएगा, यहाँ पे क्यू बी क्यों रख दोगे, यहाँ पर तुमने क्यू ए रखा था, साइन मत रख देना माइनस, अब क्योंकि वो मैं डायरेक्शन में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 2.7 × 10^6 न्यूटन पर कूलम, इसकी वैल्यू भी आएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो, ध्यान से देखो, इसकी डायरेक्शन किधर होगी,
ये इस पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इसकी फील्ड कैसी होगी, अट्रैक्टिव फील्ड होगी अपनी तरफ, तो ओ से किसकी तरफ, बी की तरफ, तो ये होगी अलोंग ओ बी। ठीक है, अब जरा इन दोनों फील्ड की डायरेक्शन देखो, इसकी भी और इसकी भी। पहली वाली किधर लग रही है, इधर रिपल, दूसरी वाली कर रही है अट्रैक्ट, वो भी इधर, तो दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं हो गई, तो इसका मतलब नेट फील्ड क्या होने वाली है, एड बोले ऐड होने वाली है। ठीक है, तो जो नेट फील्ड निकलेगी किससे, ओ पे, वो क्या आएगी, ई ए प्लस ई बी, दोनों को ऐड कर देंगे, जब दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2.7 2.7 ऐड करोगे कितना बन जाएगा, 5.4 5.4 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी पूरी की पूरी फील्ड की, ये भी इसकी वजह से भी इधर गया और इसकी वजह से भी इधर गया, तो पूरी फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, तो उसको बोल देंगे आप अलोंग ए से बी की तरफ, अलोंग ए बी। सही बात है, अलोंग ए बी इस तरह से करना है। तो ये आपकी जो वैल्यू है, ये मैंने आपकी उसकी वैल्यू निकाल दी, किसकी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की। सही बात है कि नहीं बात है। चलो अब ये ओहो, इस टोटल फील्ड को मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरे काम भी चीजें। अब देखो, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, कल ज्यादा को बोल बाहर बातें मत करो, है ना, तो अगर मैं आपको एक बाप बाहर जाके बोल, बाहर जाके बोल, बाहर जाके बोल, बोल बातें मत करो, यहाँ पर बोल, उधर जाके बातें करो, अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है कि भाई हमें क्या करना है, हमें ना फोर्स निकालनी है, मैंने एक चार्ज रख दिया इस पॉइंट पे, मुझे फोर्स निकालनी है, यही तो सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर पढ़ाया था कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रख दें, अब उसने क्या किया, पहले तो यहाँ पर प्लस वन रख रहे थे, अब उसने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया क्यू। ठीक है, तो फोर्स एक्सपीरियंस, वही आप लाइन लगाएंगे, फोर्स पहले लाइन लिखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, एफ का फॉर्मूला क्या होता था, क्यू इंटू ई, आपने ओ पे रखा है तो ये ईओ हो जाएगा। ठीक है, क्यू की वैल्यू कितना, क्यू दिया हुआ मैंने आपको, बोलो यार, फोर्स आपको चार्ज दिया हुआ है 1.5 × 10 की पावर -9, ये आपको चार्ज दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अभी निकाली, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 5.4 × 10 की पावर 6, यूनिट की क्या जाएगी, फोर्स की न्यूटन। अब आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो यार, ये भी ना हो तो फिर तो बेकार है तुम्हारा पढ़ना, हो गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना पता है, अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज आ जाए ना, तो ये नहीं कि उसमें क्यू की जगह में नेगेटिव रख दो, कभी नहीं रखना, फिर जिसमें बताया हुआ है नेगेटिव मतलब डायरेक्शन होती है, तो जो वो क्यू नेगेटिव है तो उस जो वो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है वो रखो। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन का खेल है सारा का सारा। चलो अगला क्वेश्चन तो बहुत ही रद्दी है, वो आपसे बोल रहा है कि दो पॉइंट चार्ज है, ये क्यू वन, ये दूसरा पॉइंट चार्ज है क्यू टू। ठीक है, एक बार तो क्यू वन क्यू टू ग्रेटर देन जीरो है, और एक बार क्यू वन क्यू टू लेस देन जीरो, तो बताओ फोर्स का नेचर। यार मुझे एक बात बताओ, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, अब आपका आंसर पॉजिटिव कब आएगा, या तो आप नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दो तब पॉजिटिव आएगा, या फिर आप पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करो तब आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये केस क्या डिफाइन कर रहा है, दोनों चार्ज कैसे हैं, नेगेटिव नेगेटिव सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम, इसका मतलब यहाँ पर चार्जेस कैसे हैं, सेम सेम चार्ज क्या करते हैं, रेपल, तो यानी फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव होगी। ठीक है, पता नहीं क्या आया सजेशन करके भेजे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे इसमें पागल, बस इजी है, कुछ लोगों ने सही भी किया, ऐसी बात नहीं। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कब आएगा, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब अगर एक नेगेटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव, डिफरेंट चार्ज, कैसे चार्ज, डिफरेंट, और अगर डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, पास आएंगे, मिलन होगा इनका, मिलन। ठीक है, अगला क्या है, ओ माय गॉड, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि फिर से वही दो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है, और रिपेल कर रहे हैं दूसरे को, मतलब ये इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर रिपेल, रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में, कैसी फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस है ये है 30 सेंटीमीटर, और जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 न्यूटन। ठीक है, और हमें दिया हुआ है दोनों सम ऑफ चार्ज, हमें दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकूलम। अबे दिमाग लगाओ, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए, वो क्या कि यार एक बात बताओ, रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स मतलब दोनों चार्ज सेम होगा, या तो नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव,
दोनों का सम पॉजिटिव आ रहा है, दोनों का सम क्या आ रहा है, पॉजिटिव। दोनों का सम पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों का, अगर दोनों का सम पॉजिटिव आ रहा है और दोनों का नेचर सेम है, तो दोनों पॉजिटिव नेचर के ही हैं, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते यार। दो क्वांटिटीज का सम पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि दोनों का नेचर सेम है, तो कब पॉजिटिव आएगा, जब आप कुछ ऐड करोगे, ठीक है, 4 में 3 जोड़ लो, 5 में 2 जोड़ लो, 6 में 1 जोड़ लो, 5 कुछ भी जोड़ लो, ठीक है, वही नेचर आने वाला है, ठीक है। चल चेक करते हैं, हमें दोनों की अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है। अप्लाइंग कुलम्स लॉ, वो सब लिख देना, अप्लाइंग कुलम्स लॉ, क्या कहते हैं कुलम्स लॉ, 1/4 π ε₀ Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, 0.30 का स्क्वायर। ये कितनी फोर्स दी हमको, 1 न्यूटन, 1 दिया ना, ये फोर्स, इस फोर्स की वैल्यू 1 है, मैंने 1 के इक्वल कर दिया। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे, आपकी Q1 Q2 की वैल्यू आएगी 10 की पावर -11 कूलम। ये आपके दोनों चार्ज के प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई बोलो यार, दोनों चार्ज की आपकी किसकी वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, Q1 × Q2 की वैल्यू 10 की पावर -11 कूलम। हाँ मेरी भी आ रही है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं समझ आ गया आपको, अब क्या करेंगे अपन लोग, मुझे ये मुझे प्लस है मेरे पास, ठीक है, सब लोगों ने 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा होगा, अगर मुझे कहीं से Q1 - Q2 मिल जाए तो मेरा काम तो हो जाएगा, ठीक है। अरे एलिमिनेशन मेथड लगा के Q1 Q2 निकाल दूंगा, ठीक है, तो एक बार जरा Q1 - Q2 के होल स्क्वायर को स्प्लिट करो। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर क्या होता है, Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर -2 Q1 Q2, सही बात है। अब यार मैं इसमें अगर थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो ये हम किस तरह से इसको स्प्रेड करेंगे, देखो अब यार यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो मैं ये इस जो ये फॉर्मूला है इसको कुछ इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, इसको इसके होल स्क्वायर, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर लिख दो और -4 Q1 Q2 रख दो, ठीक है। अब देखो ये सही हो गया, अपने आप बैलेंस हो गया, कैसे, ध्यान से देखो, जब मैं इसे खोलूंगा तो ये खोल दिया बनेगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर - 2 Q1 Q2, जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा ये क्या बनेगा, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2, ठीक है, इसमें से क्या निकलेगा, +2 Q1 Q2 निकलेगा, और बाहर क्या है, -4 Q1 Q2 है, जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस के बन जाएगा, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू पूरी की पूरी सेम है, आपको समझ आ रहा है, इसको आइडेंटिटी को मैंने इस किस तरह से लिखा, बोलो यार समझ आ रहा ना, ठीक है। जब इसको एक्सपैंड करोगे वो और इसको एक्सपैंड करोगे, दोनों चीज सेम बन जाएंगे, ठीक है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास प्लस की वैल्यू भी है और मेरे पास मल्टीप्लाई की वैल्यू भी है, ठीक है। तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, 7, बोलो 7 7 माइक्रोकुलम का होल स्क्वायर -4 × 10 की पावर -11, ठीक है। अब अगर आप, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, आप इसकी वैल्यू रख देना माइक्रो कूलम की, यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपका Q1 - Q2 की जो वैल्यू आएगी, मैं बता देता हूँ, Q1 - Q2 की वैल्यू आपकी आएगी 3 × 10 की पावर -6 कूलम। अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यू आ गई आपकी, तो मैं Q1 - Q2 को लिख सकता हूँ 3 माइक्रो कूलम, ठीक है, आ गया। अरे रद्दी क्वेश्चन हो गया, तो ये कितना आ गया, 3 माइक्रो कूलम, दो इक्वेशन बन गई, दो वैल्यू बन गए, सॉल्व कर दो, आंसर आया, काटो ऐड करो 7 3 10, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई 5 माइक्रो कूलम, और Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइक्रो कूलम, मिनट लगा दिया, ठीक है, सही बात है। तो उसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये है कि हम इसको किस तरह से असेंबल कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है, ठीक है। हमें, मेरे को पहले पता था मुझे Q1 - Q2 निकालना है, तो मैंने आइडेंटिटी को इस टाइप से लिखा कि Q1 - Q2 तो मेरे को मिल जाए, पर ये पर वो उनकी टर्म में मिले, उन वैल्यूज की टर्म में मिले जो मेरे को पता है, जैसे मुझे Q1 + Q2 पता है और मुझे Q1 × Q2 पता है, तो मैंने उस टर्म से कन्वर्ट कर दिया, बोलो यार। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को असाइनमेंट समझ आ गया होगा, ठीक है।